हेलो गाइस, तो फाइनली अभी हम लोग चलते जा रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे ब्लॉग में है दीपशिखा बड़ा। जल्दी इधर हो जाओ खड़ा। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर पानी बोतल का है, चखना सबका है, सब चीज है गाइस यहाँ पर। तो इसी प्रकार से आप लोग डस्टबिन का सही इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो सच में स्वच्छ अंबिकापुर हो जाएगा, स्वच्छ भारत, स्वच्छ इंडिया हो जाएगा और देश विदेशों से लोग पोखरी को देखने आएंगे गाइस। जैसे कि मैं हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं बीच पे। ये बीच काफी ही प्रसिद्ध है। इस बीच में आने के लिए काफी सारे लोग रास्ता पूछते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं। ये वाला बीच मतलब पिलखा का बहुत ही शानदार बीच कहा जाता है। ये मत फेंक पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता होगा। मत फेंक पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता होगा। मत हो जिंदगी में इतना मायूस, तुझे भी देख कर कोई जीता होगा, तुझे भी देख कर कोई जीता होगा। खाता हूँ 2 किलो बकरा। मेरा नाम है ऑस्टिन लकरा। तो गाइस, आज हम लोग आए हैं एक ऐसी जगह, सुनहरी जगह, मतलब जहाँ पे आप लोग भी आए होंगे। ये दिसी जब पिलखा पहाड़, यहाँ पे मैं 4-5 बार आ चुका हूँ, फिर से एक बार आया हूँ आज, लेकिन कुछ विशेष कार्यों से आया हूँ। देख सकते हैं मैं कॉपी पेन पकड़ा हूँ हाथ में, मतलब कि आज आया हूँ हर्बेरियम के लिए पत्ते इकट्ठे करने। मतलब हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री में हमको ऐसा मतलब टास्क मिला है। टास्क क्या मिला है, हर्बेरियम बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो जंगल का पौधा का जो पत्ती होता है उसको चिपकाना है, ऐसा बनाना है हर्बेरियम। तो उसी के लिए मैं आज पत्ते इकट्ठा करने आया हूँ, तो सोचा ब्लॉग बना लूँ। तो देख सकते हैं पीछे साइड की काफी अच्छा शानदार व्यू आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये पिलखा का डैम है, पोखरी जिसका नाम है गाइस, तो आप लोग भी विजिट करिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पत्ते खोजने और तोड़ेंगे, इसके बाद उसको चिपकाएंगे और प्रोफेसर को खुश करने का एक सही तरीका होता है जिससे नंबर मिलता है हम लोग को। तो नंबर पाने के लिए गाइस आज मैं कुछ 25 रुपया खर्चा किया हूँ। मतलब 2 लोग आया तो 2 लोगों का 10-10 रुपये, 20 रुपये और गाड़ी का 5 रुपये, 25 रुपये खर्चा करके मैं यहाँ पर पत्ते कलेक्ट करने आया हूँ गाइस। तो चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ क्या क्या, कौन कौन से पौधे मैं के पत्ते इकट्ठे करने वाला हूँ और आगे का जो भी कार्यक्रम होगा हम दिखाएंगे आपको। ओके तो गाइस, हम लोग आए थे पोखरी और यहाँ पर देखिए दारू का बोतल सबको यहीं पे फोड़ के फेंक दिए हैं। ये सब पानी बोतल सबको खा पी के यहीं पे, मतलब कचरा करने का देख सकते हो गाइस कैसा तरीका है। ये सब अगर किसी के पैर में गड़ गया तो कौन इसका जिम्मेदार होगा बताइए, फालतू का इलाज उलाज करना पड़ेगा। भाई इंजॉयमेंट करने आते हैं, ऐसे आप लोग कचरा फैला देते हैं बताइए। इधर देखिए प्राकृतिक वाला यहाँ पर कचरा दानी रखा हुआ है, ठीक है, आप इसमें कचरा करकट जो भी डाल सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही सावधानी पूर्वक। बहुत सारे लोग होशियार भी रहते हैं, लास्ट टाइम मैं वीडियो बनाया था साफ सफाई के ऊपर, तो काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया इस डस्टबिन का। ऐसी नेचुरल डस्टबिन होना चाहिए गाइस, देखिए कितना प्यारा प्यारा सब कोई कचरा को डाले। इधर जूम करके दिखाइए क्या क्या कचरा है, मैं लोगों को दिखाता हूँ। इधर 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 हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर पानी बोतल का है, चखना सबका है, सब चीज है गाइस यहाँ पर। तो इसी प्रकार से आप लोग डस्टबिन का सही इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो सच में स्वच्छ अंबिकापुर हो जाएगा, स्वच्छ भारत, स्वच्छ इंडिया हो जाएगा और देश विदेशों से लोग पोखरी को देखने आएंगे गाइस। जैसे कि मैं लास्ट ब्लॉग अगर मेरा नहीं देखे होंगे तो उसमें भी मैं बताया था कि देश विदेश से आना चाहता है मेरा दोस्त लोग यहाँ पर पोखरी देखने के लिए, ठीक है। तो और हगिए मुतिएगा नहीं यहाँ पर काफी ज्यादा, नहीं तो आजकल हगने मुतने वालों को हाथी कुदाता है, ठीक है, तो हाथी कुदा के एक लात मार देगा, हगा जाइएगा फिर से एक बार। तो इसीलिए ज्यादा हगने मुतने के ऊपर ध्यान दीजिए मत, ठीक है, घरे में हग के आइए और कचरा वगैरह को ऐसे ही डस्टबिन में डालिए। ओके तो चलिए, अब मैं आगे जो भी काम के लिए हूँ वो सब काम करते हैं, बाकी सब तो होता रहेगा साफ सफाई के बारे में। ओके हेलो गाइस, तो फाइनली अभी हम लोग चलते जा रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे ब्लॉग में है दीपशिखा बड़ा। जल्दी इधर हो जाओ खड़ा। तो दीपशिखा बड़ा कैसा लग रहा है हमारे साथ काफी अरसों के बाद मिलके? बहुत ही ज्यादा अच्छा। अच्छा, तो दीपशिखा बड़ा के बारे में बता दूं, मतलब ये अमरकंटक में गायब हो गई थी एमबीए करने, तो एमबीए करके लौटी हैं और अभी हमारे ब्लॉग में शामिल हुई हैं। अब हम लोग नीचे भी उतरना है गाइस, हम अभी दिखाते हैं दीपशिखा को, दिखाएंगे कैसे उतरती। दीपशिखा बड़ा अभी नीचे उतरते हुए, अभी ये कैसे उतरेगी गाइस, मतलब लास्ट टाइम का अगर वीडियो आप लोग देखे होंगे मेन पार्ट वाले में इनके साथ, तो मतलब ये गिर गई थी, ठीक है। अभी वाले में देखते हैं ये गिरती है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग ज्यादा चर्चाएं करेंगे। चर्चा का विषय यही होगा कि आज दीपशिखा बड़ा सावधानी पूर्वक नीचे उतर जाएगी या फिर गिर जाएगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस गिरेगी कि बचेगी। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, बच गई। तो फाइनली दीपशिखा बड़ा का तो ये था, अब मेरा देखते हैं गाइस क्या होता है। उधर से तो भी वीडियो बना देना मेरा, तो फिर पता चलेगा, अगर मैं गिर गया तो फिर कंटेंट बन जाएगा और नहीं गिरा तो फिर वो हो जाएगा, तो देखते हैं। हाँ ओके, तो गाइस अब मेरा बारी है उतरने का,
गाइस भगवान से दुआ करिएगा कि मैं ना गिरूं, बच जाऊं। अगर गिर गया तो मोबाइल चकनाचूर हो जाएगा और ब्लॉग भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो मैं बहुत ही शानदार तरीके से आसान से उतर गया, मेरा चप्पल टूट जा रहा था 25,000 का, लेकिन तो चलिए अब सावधानी पूर्वक चलते हैं। ओके, आप देख सकते हैं मतलब काफी अच्छा प्यारा सा पानी है, ये काफी सुंदर नजारे हैं, काफी सुंदर व्यू है, ठीक है। काफी प्यारा जगह है, लोकेशन तो एक नंबर है, मां कसम। और इधर भी देख सकते हो काफी ज्यादा पानी जा रहा है, हम लोग पानी के बीचों बीच में खड़े हैं गाइस, ये देखिए। और अब ऊपर चढ़ाई करने की बारी है, अभी हम लोग पहाड़ में चढ़ने वाले हैं काफी ऊपर। हाँ तो फिर चलिए चलिए दीपशिखा ऊपर चढ़िए। तो अब देखते हैं गाइस आगे का क्या है, इसके बाद चलते जाओ चलते जाओ। भाई साहब ये कोई हग मूत्र तो नहीं दिया होगा इधर, ठीक है। तो दीपशिखा को मैं आगे आगे इसीलिए भेज रहा हूँ क्योंकि अगर कोई हगा होगा तो पहले वो देखे, वो अपने चप्पल से उसको खूंदे, ठीक है, जिससे मैं अवगत हो जाऊं और मैं बच जाऊं गाइस। तो ये बड़ा फायदा होता है एक ब्लॉगर लोग को कि सामने सामने वालों को पहले भेज दो, सुरक्षित हम बच जाते हैं इसी वजह से, ठीक है। तो ये चीज एक फायदा होता है, बाकी बात तो आप देख ही सकते हो कितने जंगल झाड़ियों के बीच में आ चुके हैं। अब चलना ही पड़ेगा, ये दूसरी बार है मेरा इस जंगल में ऐसे आना जाना, तो अब रुक के हम लोग थोड़ा सा कुछ कलेक्ट कर लेते हैं। रुक जा यार, थोड़ा सा कुछ कलेक्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं बीच पे। ये बीच काफी ही प्रसिद्ध है, इस बीच में आने के लिए काफी सारे लोग रास्ता पूछते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं। ये वाला बीच मतलब पिलखा का बहुत ही शानदार बीच कहा जाता है, ये मतलब पोखरी का एक बीच है जहाँ पर आके लोग पिकनिक मनाते हैं। इस पार जब आप ऊपर से देखोगे तो लोग सोचते हैं रास्ता किधर से, लेकिन पहाड़ों के ऊपर ऊपर से चढ़ के आना पड़ता है। जैसे कि आप मेरे ब्लॉग में शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको यहाँ आने के लिए रास्ता किधर से वो सारी चीज़ पता चलेगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक तो देखना पड़ेगा ना मेरी जान, अगर आपको रास्ता चाहिए तो ये सारी चीज़ें जानकारी आप लोगों को अपडेट हो जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आप देखिएगा। ओके, और दीपशिखा बड़ा कैसा लगा ये वाला आईलैंड, अच्छा लगा ना? हाँ ठीक है। अभी खाने पीने के लिए हमारे पास तो कुछ है नहीं क्योंकि हम लोग खा पी के आए थे गाइस, ठीक है। तो ये वाला आइलैंड काफी शानदार है और देख सकते हैं टूटा मरहा टाइप सा पेड़ है, कुछ सूखा सूखा, तो ये सब भी देख सकते हैं। ये सब पेड़ को देख के आपको मैनपाट वाला कुछ याद आ रहा होगा, अगर मैनपाट आप लोग गए होंगे तो, और नहीं भी गए होंगे तो मैनपाट भी जाइए घूमिए, हम लोग भी वहां जाने वाले हैं, वहां भी ब्लॉग बनाने वाले हैं। ओके चलिए फिर। हेलो दोस्तों, अब यहाँ से जाने का काफी समय हो गया है, मतलब काफी टाइम से आए हुए थे और यहाँ पे हर्बेरियम के लिए कुछ लीफ कलेक्ट करने थे, तो सब मतलब कुछ कुछ हुआ है, बहुत सारे तो नहीं हुए हैं। तो फिर चलिए जाते जाते बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ आकर कचरा वचरा मत फैलाइएगा दोस्तों, ठीक है। अभी काफ़ी अच्छे हद तक तो मतलब साफ़ सफाई दिख रहा है, मतलब कचड़े वगैरह, दारू का बोतल सबको, पानी का बोतल सबको, चखना का रैपर सबको आप लोग डस्टबिन वगैरह में डाल रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ऐसे ही साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा, तभी हमारा मतलब अंबिकापुर स्वच्छ रहेगा, अंबिकापुर के साथ साथ हमको देख के और लोग भी इंस्पायर होगा, इसके बाद अपना दारू का बोतल सबको फोड़ फोड़ के इधर उधर नहीं फेंकेगा, जिससे क्या होता है कि मतलब बहुत सारे जानवर सब होता है, एनिमल सब होता है, आदमी सब होता है, आदमी लोग भी कुत्ता जानवर भी होता है, ठीक है। तो उन लोग के पैर सब में ना गड़े, और गड़ जाता है तो टिटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा दर्द करता है पिछवाड़ा में लगवाते हैं तो बस इसीलिए गुजारिश करना चाहता हूँ, तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग दारू का बोतल, पानी का बोतल, गुटखा का पाउच सबको इधर उधर फेंका हुआ है, और थोड़ा बहुत कचरा है, लेकिन आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अगली बार आऊँ तो एकदम बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रहेगा। अभी तो बहुत सारा कचरा सबको मैं ही साफ़ सफाई करके जा रहा हूँ, दीपशिखा के साथ मिलके हम लोगों ने काफ़ी साफ़ सफाई किया, पूरा पसीना पसीना हो गए हैं, थैया थैया हो गए हैं। और इसके बाद गाइस सब चलते हैं, जाने का वक्त हो गया है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ज़्यादा साफ़ सफाई रहेगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। ओके थैंक यू सो मच, मेरे ब्लॉग का अंत तक धीरज बना के देखने के लिए धन्यवाद, एंड वेलकम टू स्कूल, प्लीज़ ग्रांट मिली। ओके बाय, जय हिंद।